हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, बहुत सारे लोगों को सूप बहुत पसंद होता है क्योंकि ये हमारी हेल्थ को भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपको दिखाऊंगी इंडियन कॉफ़ी हाउस किचन से वेजिटेबल सूप किस प्रकार बनता है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैं आपको सामग्री बता देती हूँ। प्याज, गार्लिक, कैबेज, कैरेट, जिंजर, ग्रीन चिली, ये सभी ले लेंगे। सबसे पहले फ्रेंड्स, जो जिंजर है ना, उसको धो लेंगे और प्याज को बारीक बारीक काट लेंगे और सारी जो भी सब्जियाँ हैं उनको बारीक बारीक काट लेंगे। शिमला मिर्च, गाजर, पत्ता गोभी को भी बारीक बारीक काटेंगे। आप कटिंग बहुत ध्यान से देखिएगा क्योंकि जब भी सूप बनता है तो उसमें कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। छोटी छोटी जो कटिंग रहती है ना, वो ही अच्छी रहती है। और ये नूडल्स तल लिए गए हैं जो बाद में सूप में डाल के अगर आपको पसंद हो तो पिए जाते हैं। उसके बाद एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा तेल डालेंगे और लहसुन और अदरक का जो बारीक कटिंग रहती है ना, उसको हम सबसे पहले तेल में डालेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारा अदरक और लहसुन पक चुकी है। अब इसमें हमने थोड़ी सी हरी मिर्च डाली, साथ में अनियन, कैबेज और कैरेट भी डालेंगे। शिमला मिर्च भी डाल दी हमने। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करिएगा, नहीं तो फिर सूप आपका बिल्कुल टेस्टी नहीं बनेगा। फिर प्याज भी भूंज रही है धीरे धीरे, थोड़ी और बारीक सब्जी हमने काट के डाल दी। आप देख सकते हैं कटिंग बहुत इम्पॉर्टेंट होती है सूप में। और आप इसी प्रकार के और टेस्टी वीडियो के लिए मेरे चैनल पे जरूर बने रहिएगा। फिर लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल दिया हमने, ब्लैक पेपर, थोड़ा सा नमक। क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है तो उस हिसाब से ही नमक डाला गया है। थोड़ा सा सॉस डालेंगे, सोया सॉस, पहले टमाटो सॉस फिर सोया सॉस, और इसको पकने देंगे। थोड़ा सा चिली सॉस, कॉर्नफ्लोर होता है उसको ठंडे पानी में घोल लेंगे पहले। अगर हम गर्म सूप में डालेंगे ना तो वो गुठले पड़ जाते हैं, तो हम इसको पहले ठंडे पानी में घोल के ही डालेंगे। और इसको लगातार चलाना है, नहीं तो ये नीचे चिपक जाता है। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा सूप रेडी है खाने के लिए। तो जिन्होंने भी चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें।